भगवान के नाम का जप, भगवान के नाम के सुमरण, भगवान के नाम के अर्थ में शांति, ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं जो चित्त की विश्रांति से उसका संबंध है। भगवान का जप करके थोड़ा शांत, लोग जप करें फिर शांति नहीं पाते, जैसे अब मैं करवाता हूं। हरे राम 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 हरे, थोड़ा शांत हो गए। हरे कृष्णा 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 हरे, ऐसा 15 मिनट बैठ के जप करो। घर में कितने झगड़े हो, कितनी अशांति हो, कितनी बरकत की कमी हो, सब धीरे धीरे ठीक होने लगेगा, चित्त विश्रांति पाए।
सबके हृदय में सबके रोम कूप में राम की चेतना विराजमान है, उस राम स्वरूप में भी शांति पाते हैं। हरे राम। हरे शब्द हरि ओम के साथ भी हर शब्द शिव जी के साथ भी हर शब्द जुड़ जाता है, हर हर महान। और राम जी के साथ भी हरि शब्द जुड़ जाता है, इसका बड़ा रहस्य है। हरति पातकानी शोकानी दुखानी इति श्री हरि।
हरि ओम का उच्चारण करके जब शांत हो गए तो मन सत्य के संग के तरफ विश्रांति पा रहा है, इस भाव से कुछ भी चिंतन ना करे, न किंचित भी चिंतित, भले फिर 2 सेकंड निश्चिंत हरि में, निश्चिंत नारायण में, निश्चिंत राम में, शिव में शांत मना होना, इसको बोलते आत्मिक ध्यान। शिव जी ने कहा, नास्ति ध्यानम समम तीर्थम। हे पार्वती, तीर्थों में तो शरीर नहाता है, पुण्य लाभ होता है, लेकिन ध्यान के तीर्थ में तो जीवात्मा स्वयं परमात्मा में नहाता है। नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम। यज्ञ में तो तुम्हारे जाओ तिल गुगल घी शक्कर आदि वातावरण में पवित्रता पुण्य ही लाते हैं, लेकिन ध्यान रूपी यज्ञ में तो तुम स्वयं अपने विकारों से निवृत्त नारायण में शांति पाते हो, अपने आप को अर्पण करते हो। नास्ति ध्यानम समम दानम, दान करने से धन की शुद्धि होती है, लेकिन ध्यान करने से स्व की शुद्धि होती है। जोर नहीं मारना है, चतुराई नहीं करना है, ध्यान नहीं करना है, भगवान के रस में जैसे फूल गंगा में बहने लगते हैं, ऐसे हमारा अहंकार और ममताएं भगवत रस में बह जाए और हम स्वयं भी भगवत रस में बहने लगे। प्यार से मैं तो मन में बोलने लगूंगा सांस के साथ और ध्यान में डूबूंगा, तुम्हें जैसा अनुकूल पड़े।
होते जाओ मन ही मन में साज के साथ, राम नाम और कृष्ण की मधुरता में मधुर होते जाओ। आनंद है से सौ गुना ज्यादा प्रभावशाली है। बहुत निकट कर देता है आपको भगवान और भगवत रस के साथ जोड़ देता है। मंगल वेला है, मंगलमय नाम है और मंगलमय ध्यान है, मंगलमय प्रीति है और मंगलमय हृदय स्वर का सहज सुख हो रहा है।
समर्थ रामदास ने उपदेश में कहा कि भैंस के सींग पर राई का दाना जितनी देर ठहर सके उतनी देर भी हरि के सिवाय कहीं मन लगा तो गिरने की संभावना, इसलिए हरि तत्व को सर्वत्र जान ले हरि के सिवाय। बलब अनेक, बीज अनेक, गीजर अनेक, विद्युत एक, फिल्म के दृश्य अनेक, बिजली एक, पनियारी अनेक, घड़े अनेक, पानी एक का एक, तरंग अनेक, बुलबुले अनेक, लहरें अनेक, भंवर अनेक, घाट अनेक, लेकिन उदत ही पानी जल एक का है। कबीरा कुआ एक है, पनियारी अनेक, न्यारे न्यारे बर्तनों में पानी एक का है। कीड़ी के तन में भी सत चित आनंद की सत्ता है। कीड़ी का शरीर मरता है लेकिन उसकी सत्ता नहीं मरती, उसकी चेतनता नहीं मरती, उसका आनंद स्वभाव। मनुष्य में, हाथी में, घोड़े में, प्राणी मौत जो विभू व्याप्त है वह हरि। हम शरण है हरि, शरणम हरि, शरणम हरि, शरणम सत्यम शरणम गच्छा। हम सत्य स्वरूप प्रभु की शरण, जो सत स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, जो कभी मरता नहीं, कभी बिछड़ता नहीं, कभी बेवफाई नहीं करता, हजार हजार गलतियां हम करे फिर भी हमारा अमंगल नहीं करता, अमंगल नहीं चाहता, नीच ऊंच योनियों में अथवा ऊंचे नीचे अनुभवों से गुजार कर हमारा मंगल ही चाहता, ऐसे हरि में हम शांत हो रहे। हरि ओम शांति, ओम शांति। Thank you.
हरे राम 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 हरे Krishna, Hare Hare,
हरे राम हरे राम 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 हरे
तिनका कैसे सागर में नदी में अपने आप को उसके साथ थिरकने देता है, ऐसे अपने मैं को भगवत धारा में खनगणित होने कोई प्रयत्न न, ईश्वर को जाना नहीं जाता, ईश्वर में अपने को सौंपा जाए। तरंग सागर को जानेगी तो थक मरे, अपने को सागर में सौंप देगी तो सागर में।
शांत होते जाओ, मन ही मन में साज के साथ राम नाम और कृष्ण की मधुरता में मधुर होते जाओ। आनंद है। Om Shanti.